शिवम सोनी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में बची 5 सीटों पर मुहर लग सकती है। सिंधिया के सामने बड़ा चेहरा उतार सकती है कांग्रेस पार्टी, तो वहीं बीजेपी इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा के लिए भी नामों का ऐलान कर सकती है। बालाघाट और धार के लिए भी उम्मीदवार का नाम फाइनल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं कांग्रेस की भी बैठक है, कांग्रेस मध्य प्रदेश और कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर चिंतन कर सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सभी बची हुई 5 सीटों पर भी फैसला होगा। मध्य प्रदेश की भी कई सीटों पर मोहर लग सकती है। हालांकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 5 सीटें बची हुई हैं जिस पर बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। तो वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। तो ऐसे में आज महत्वपूर्ण 2 बड़ी बैठक है, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही है, तो वहीं बीजेपी इलेक्शन कमेटी की बैठक आज शाम को होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा और लिस्ट फाइनल हो सकती है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त राजधानी रायपुर से अंकुश इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, आज बैठक हो रही है सीईसी की और उम्मीद जताई जा रही है कि जिन 5 सीटों पर अभी ऐलान नहीं कर पाई है कांग्रेस, उन 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, और अब काफी कम समय बचा है चुनाव की आचार संहिता लगने को लेकर। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, उसी तरीके से अब कांग्रेस जो है बाकी बचे हुए 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दे। आज काफी महत्वपूर्ण बैठक है और दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी और बैठक के बाद माना जा रहा है कि आज शाम तक बची हुई कांग्रेस की 5 सीटें जो है उस पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। चूंकि समय कम बचा है और बाकी जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं वो अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से 6 उम्मीदवारों के नाम पहले ही पहली सूची में घोषित किए हैं, उस हिसाब से जितने भी नाम घोषित किए गए हैं वो सभी अभी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो अभी हाल ही में उनका एक सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने पूरा शेड्यूल डाला हुआ है। उन्होंने कहा है कि राजनांदगांव क्षेत्र में वो पहले प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो बीजेपी की सूची पहले ही आ चुकी है और बीजेपी के 11 लोकसभा उम्मीदवार वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। फिलहाल अब 5 जो सीटें कांग्रेस की बची हुई हैं उसका इंतजार किया जा रहा है और उसको लेकर भी आज जो दिल्ली में मंथन होना है उसके बाद माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की बाकी बची हुई 5 सीटों के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में जिस लोकसभा सीटें जो बची हुई हैं 39 के अलावा वहां पर भी नाम घोषित किए जा सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें छत्तीसगढ़ में कौन कौन से दावेदार हैं जिनके नाम फेरिस्त में है, जिनके नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर सकती है जो बची हुई 5 सीटें उन पर? देखिए शिवम, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की पहली सूची आई है और उसमें हमने जो नाम देखे हैं वो काफी दिग्गज हैं। मतलब ये कांग्रेस पार्टी के सब अपने अपने आप में बड़े चेहरे हैं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर बात कर लें, पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया की अगर बात कर लें, रायपुर लोकसभा से विकास उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारा है उसकी अगर हम बात कर लें, तो जिस तरीके से पहली सूची आई है दूसरी सूची में भी वैसे ही कुछ उम्मीद लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि जो पूर्व मंत्री रहे हैं या अपने क्षेत्र में जो लगातार कई बार के विधायक रहे हैं उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी दाव खेलती हुई नजर आ रही है। और जैसे अभी सरगुजा संभाग से अगर नामों की अगर बात करें तो पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का नाम काफी तेजी से चल रहा है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पहली सूची में प्रयोग किया गया है उसी तरीके का प्रयोग जो है दूसरी सूची में किया जा सकता है। और इस बार खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं से केवल राय शुमारी की जा रही है, नाम जो है वो दिल्ली से ही फाइनल हो रहे हैं और दिल्ली केवल निर्देश कर रहा है कि आपको अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। अंकुश बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता भोपाल से संदीप भवरकर इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, आज कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक है, इसके अलावा बीजेपी की भी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा प्रत्याशियों को उतारने को लेकर। फिलहाल कांग्रेस ने 29 में से किसी भी सीट पर मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है
और बीजेपी की 5 सीटें भी बची हुई हैं। तो ऐसे में कौन कौन से दावेदार हैं जिनकी फेहरिस्त में उनका नाम शामिल है, जिनका ऐलान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आज कर सकते हैं? बीजेपी के अगर बात करें तो 5 सीटें के खाली है, इसमें से छिंदवाड़ा और कंटला बालाघाट सीट जो है उन सीटों पर इंतजार किया जा सकता है बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी देख रही है कांग्रेस का कैंडिडेट क्या होता है उस हिसाब से टिकट दिए जाएंगे। बाकी की जो सीटें हैं उसमें महिला उम्मीदवार की खोज की जा रही है, अलग अलग नेताओं से चर्चा है और चर्चा में जो नाम जिस नाम पर सर्वसम्मति बनेगी उसी नाम उसी पर मोहर लगाई जाएगी ऐसी उम्मीद है। और बहुत ज्यादा पशुपेश बीजेपी में नहीं है इसीलिए जल्दी ही उसकी घोषणा हो सकती है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के सामने चुनौती इस बात की है कि बीजेपी के प्रत्याशी आ चुके हैं और कांग्रेस का भी एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं है, तो इसीलिए कांग्रेस को सबसे पहले कोशिश करेगी कि वो कम से कम 12 नाम जो नाम तय हो चुके हैं वो तो घोषणा कर ही दे। लेकिन बीजेपी के कांग्रेस के पास में तकरीबन 25 नाम ऐसे हैं जो जो पहली लिस्ट में जिनके नाम आ सकते हैं, 25 सीटें हैं ऐसी आज की मीटिंग के बाद। लेकिन लेकिन कांग्रेस कांग्रेस की एक सीट तो है 29 में से, वहां पर मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से नकुलनाथ हैं, और ऐसी बात कही जा रही है सियासी हलकों में, चर्चा ऐसी है संदीप कि नकुलनाथ के अलावा कमलनाथ को भी लोकसभा चुनाव से कांग्रेस इस बार मैदान में उतार सकती है किसी एक सीट से, और बालाघाट की चर्चाएं जोरों पर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और कमलनाथ जैसे सीनियर लीडर इसका इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी और इसीलिए ये चाहती है कि वो किसी न किसी सीट से चुनाव जरूर लड़े। हालांकि कमलनाथ बयान जिस तरह के सामने आए हैं वो रिटायरमेंट जैसी बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में वो पार्टी उनको कितनी मना पाएगी ये देखना होगा। लेकिन छिंदवाड़ा से नकुलनाथ ही होंगे और कमलनाथ इस पर राजी नहीं होंगे, कमलनाथ को किसी दूसरी सीट से जरूर उतारा जा सकता है इस बात की चर्चा है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि कमलनाथ इस बात के लिए राजी हो। कमलनाथ हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस दावेदार पर को प्रत्याशी बनाती, किस पर दाव खेलती है इस बार। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश जुड़े हैं। अंकुश